हेलो दोस्तों, अभी काफ़ी सारे लोगों के डीमेट अकाउंट क्लोज हो रहे हैं और वजह कोई एक नहीं है जो मैं आपको बता दूं। आप उसका सॉल्यूशन कर लो और आपका डीमेट अकाउंट क्लोज होने से बच जाए। इसके लिए दोस्तों 4 से 5 वजह हैं जिनकी वजह से आपके डीमेट अकाउंट क्लोज हो रहे हैं और आपका भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि अभी काफ़ी सारे लोगों ने क्या है डिफरेंट कंपनियों में अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखे हैं। मैंने खुद रेफर एंड अर्न चलता था तो उस टाइम पर, अभी के टाइम पर अगर मैं बोलूँ ना तो मेरे 20 से 22 कंपनियों में डीमेट अकाउंट ओपन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं वो कॉल करके कन्फर्म कर रही हैं कि भाई आपने इतने ज़्यादा अकाउंट ओपन कर रखे हैं, क्या आप हमारा डीमेट अकाउंट यूज करेंगे? अगर नहीं करने वाले हैं तो हम इस डीमेट अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी डीमेट अकाउंट को 1 साल तक यूज नहीं करते हैं तो वो आपका डीमेट अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, मतलब कि दोस्तों इनएक्टिव की कैटेगरी में चला जाता है। तो वहीं पर दोस्तों तीसरी वजह ये है कि आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो भी आपका डीमेट अकाउंट क्लोज हो सकता है। और दोस्तों मुझे एक कमेंट मिला है इस आधार पर, मैं ये वाला आपको डाउट बोल रहा हूँ कि इस तरीके से भी आपका डीमेट अकाउंट क्लोज हो सकता है। और दोस्तों चौथी वजह ये है कि अगर आप 30 सितंबर 2023 से पहले नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो भी दोस्तों आपका डीमेट अकाउंट क्लोज हो सकता है। और दोस्तों पहले ये डेट 31 मार्च 2023 थी लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है तो अब इसको 30 सितंबर कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे बैंक अकाउंट हैं जिनका मतलब कोई नॉमिनी नहीं था, तो काफ़ी सारा पैसा बैंकों में पड़ा है जिनको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनका फंडेड रहता है। वैसे तो अभी एक रूल है कि अगर आपका जितना भी पैसा है ठीक है तो वो जब मंथ एंड होता है तो पूरा पैसा आपके डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर किसी के शेयर होते हैं ना तो उन शेयरों को भी क्लेम करने वाला नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी बनाना कंपलसरी कर दिया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जितना भी अब तक बताया तो वो मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया। अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका नॉमिनी ऐड नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट तक मत जाओ, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी अपना नॉमिनी ऐड कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रोसेस बता रहा हूँ और काफ़ी सारे डीमेट अकाउंट है, आपका कोई डिफरेंट डीमेट अकाउंट हो सकता है लेकिन प्रोसेस नॉमिनी ऐड करने का सबका सेम है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस तरीके से नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा डलवेस का डीमेट अकाउंट है, इसको मैंने काफ़ी टाइम बाद लॉगिन किया है तो ये मुझे मैसेज पॉपअप हो रहा है कि आप अपना 30 सितंबर तक नॉमिनी ऐड कर दीजिए नहीं तो आपका अकाउंट लॉक्ड हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं हरी ऐड नाउ पर क्लिक करके अपना नॉमिनी ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके, मेरी प्रोफाइल में डिटेल्स होगी तो उसी में नीचे नॉमिनी का भी मुझे ऑप्शन मिल जाएगा तो मैं वहाँ से भी नॉमिनी ऐड कर सकता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर क्लाइंट आईडी डालना है और क्लाइंट आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लाइंट आईडी डाल दिया हूँ, सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा, जीमेल आईडी पर भी होगा तो कहीं से भी देख के ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों सेगमेंट एक्टिवेशन के लिए आएगा और यहाँ पर अगर आपका कोई भी सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है तो आप उसको एक्टिवेट करेंगे, और दोस्तों अगर आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पर नॉमिनी वाला जो ऑप्शन है तो वो क्लिक करना है, फिर ऐड नॉमिनी करना है या फिर ऑप्शन आउट नॉमिनी करना है। अगर आप दोस्तों ऑप्शन आउट नॉमिनी कर देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप फुल इंटरेस्टेड हैं, कि आप नॉमिनी ऐड करना ही नहीं चाहते, अदरवाइज दोस्तों आप नॉमिनी ऐड करने के लिए जाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी। और दोस्तों अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को यहाँ पर फिल कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर उसका एड्रेस डालेंगे उसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। फिर दोस्तों यहाँ पर ये शेयर परसेंट लिखा हुआ है तो अगर आप दो नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो 50-50 या फिर जितना ही परसेंटेज में आप उसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों अगर एक ही आप नॉमिनी रखेंगे तो उसको ही आप 100% अधिकार दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट दोस्तों अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर फिर से ये आपको बताएगा कि ये आपने जानकारी फिल करी है। अगर दोस्तों सब कुछ सही है तो फिर आप इसको प्रोसीड करेंगे, अगर आप दूसरा नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड नॉमिनी करेंगे, अगर आप इसी की डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सब कुछ सही है तो आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट आएगा ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको परमिशन देनी है, इसके बाद दोस्तों दोनों पर राइट लगानी है और आपको प्रोसीड करना है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर इसके बाद आप साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो बॉक्स है इस पर आपको राइट लगानी है और अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी देख के आपको यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर
अभी काम हो चुका है, कंटिन्यू टू एक्सप्लोर पर करेंगे तो दोस्तों आपको रीडायरेक्ट कर देगा कि आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी मुझे मेल भी मिल चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सक्सेसफुली अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके काम की रही हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।